बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अमरीन। मैं आज आपको चने की दाल गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। एक गिलास पानी डाला पतीली में, एक गिलास और डालेंगे, तकरीबन दो गिलास जाएंगे ना इसमें, और एक छोटा टीस्पून मैंने हल्दी का डाला, वो चने की दाल बॉईल करने के लिए ना। मैंने चने की दाल 10 मिनट पहले भिगो दी थी, फिर उसके बाद बॉईल करने के लिए डाल दी है। 15 से 20 मिनट तक ये कुक होगी। अब एक पतीली में मैंने एक बड़ा कप ऑयल का डाला है, अच्छी तरह इसको गर्म होने देंगे। अब इसके बाद ज़ीरा डाला है मैंने एक छोटा चम्मच, दो तेज़पत्ते डाले हैं और दो दरमियानी साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज डाली है। इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। देख सकते हैं आप, चने की दाल में बॉयल आ चुका है, तो मैं इसको हल्का कर दूंगी। और प्याज में मैंने अब 3-4 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची डाली है। मज़ीद इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक, अच्छी तरह इसको गोल्डन कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, गोल्डन हो चुकी है। और ये मैंने मटन का गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो है ये, और अच्छी तरह हम इसको प्याज में फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो हीक होती है वो निकल जाए। मटन में जो एक हीक होती है ना, वो अच्छी तरह गोश्त को भूनने से निकल जाएगी फ्राई करके। अब दो छोटी मैंने इलायची डाली है इसमें, दो चम्मच बड़े लहसुन अदरक के डाले हैं, उसको हम भूनेंगे इसको भी इसके साथ। अच्छी तरह भूनेंगे हम इसको ताकि मसाले में भून के जो गोश्त की जो हीक है वो अच्छी तरह निकल जाए। अब इसमें एक छोटा टीस्पून हल्दी का जाएगा और एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची जाएंगी, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है, खुश्क धनिया 1.5 चम्मच डाला है, एक छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और एक छोटा चम्मच नमक डाला है इसमें। और अच्छी तरह इसे हम भूनेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाला है 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच डाले हैं। बाकी कम लगेगा मुझे और तो फिर मैं और चेक कर लूँगी, क्योंकि दाल में मैंने नहीं डाला, सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल की है दाल मैंने, चने की दाल। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 2-3 गिलास इसमें पानी जाएगा, 2 गिलास पानी डाल के मैंने अब इसको ढककर रख दिया है 1/2 घंटे के लिए। अब हम इसको देखेंगे खोल के। अब इसमें हम 1 कप दही डालेंगे, बड़ा कप है ये, बड़ा कप दही का भर के डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भून लेंगे मसाले के साथ गोश्त को। दही डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह चने की दाल गोश्त। अब देखें मसाला भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मज़ीद और इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि मसालों की जितनी भी हीक है वो निकल जाए। हरी मिर्चें डालेंगे इसमें 2-3, मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं, 2 ग्रीन थी और 1 रेड, अच्छी लगती है इसमें ना ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। अब अच्छी तरह इसको भून लेंगे, ऑयल देखें ऊपर हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑयल एक बॉल में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम दाल डालेंगे तो फिर ऑयल बिल्कुल ही उसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये ऊपर गार्निशिंग के लिए हमने ऑयल थोड़ा सा निकाल लिया है। अब ये हम दाल डाल रहे हैं, तकरीबन ये 1/2 किलो दाल है,
जो इस पर मैंने बॉयल हल्दी करके बॉयल की थी, तो अब मैंने वो डाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं। दाल देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, ना ज़्यादा गली हुई है और ना ज़्यादा मैच हुई है। और अब इसमें एक गिलास मैंने पानी डाला है अच्छी तरह भून के, एक गिलास और डाल दिया, तकरीबन दो गिलास गए हैं इसमें। अब थोड़ा सा पकने देंगे इसको ताकि दाल और गोश्त एक जान हो जाए। मुझे नमक कम लगा तो मैंने एक चम्मच और डाल दिया, फीका था थोड़ा दाल डालने के बाद। और ये एक चम्मच मैंने गरम मसाला डाला ऊपर से, और अब हमने दम पे रख दिया। देखें आप कितना अच्छा लुक आया है इसका। अब ये थोड़ा सा हरा धनिया है और सूखी मेथी होती है ना वो है, कसूरी मेथी सूखी लेके मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर ली थी। ये देखें आप, अब ऑयल मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं आप मैं डिश आउट कर रही हूँ, कितना अच्छा लुक आया देखें आप। अब हरी मिर्चों से मैंने गार्निश कर दी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला डाल के आप ऊपर से गार्निश कर दें। लीजिए मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल की रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।